हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास कुकिंग। आज हम लोग बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक कप जितना सूजी यानी रवा। ये हृदय से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है, एनर्जी भी देता है। साथ में हम लेंगे दो कप जितना मखाना। मखाना को हम अच्छे से पीस लेंगे। मखाना पौष्टिकता से भरपूर होता है, इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जिंक, ये सब कुछ होते हैं। इसके लिए हम लोग मखाना लेंगे। मखाना को हम कमल के बीज भी बोलते हैं। अब हम एक लेंगे पैन को। पैन के अंदर डालेंगे दो बड़े चम्मच जितना शुद्ध गाय का घी। घी डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे रवा को यानी सूजी को। सूजी को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे चलाते रहेंगे। सूजी को तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। सूजी डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बहुत ही मददगार होती है। साथ में इसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने की ताकत भी होती है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मखाना को। मखाना डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और इसे भी साथ में सूजी के पकाएंगे। अब हम लेंगे एक कप जितना कोकोनट पाउडर, साथ में जितना हमने सूजी लिया था उसी कप से एक कप जितना शक्कर। अब हम नारियल के पाउडर को डाल देंगे। नारियल का पाउडर भी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही मददगार रहता है। और साथ में कुछ डालेंगे कटिंग बादाम। बादाम भी डायबिटीज के रोगियों के लिए हेल्पफुल रहता है। साथ में हम ऊपर से डालेंगे किशमिश को। और आधा छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर को इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग डालेंगे शक्कर को, क्योंकि शक्कर को पकाने की ज़रूरत नहीं रहती। आप चाहें तो गैस बंद करने के बाद भी शक्कर को डाल सकते हैं। शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है और ये देखिए इसका इस प्रकार सा कलर हो गया है। अब हम इसे बंद कर देंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक कप जितना दूध। दूध से लड्डू बांधने में आसानी होगी, ये देखिए। और ये अपना घी भी छोड़ देगा, नहीं तो ये सूखा सूखा लगेगा। इसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे एक कप जितना दूध और इस प्रकार से सारे लड्डू को तैयार कर देंगे। अगर आपको हमारे ही लड्डू पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।